अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जो आज की वीडियो है वो है ताज़े जानवरों की। तो कुछ ताज़े जानवर दोबारा से आए हुए हैं। तो पिंडी वाला व्यापारी यार कौन आ रहा? गुजरा वाली का बंदा आया हुआ है, गुजरा वाली का व्यापारी है। तो ये भैंसे आपको चेक कराता हूँ ज़रा। नस्ली भैंसे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही आला नस्ल की हैं और खूब मोटी ताज़ी और माशाल्लाह से चड्डे हवाने हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट है, कहीं से कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। तो आपको ज़रा भैंसे चेक करानी थी और तो साथ में कोई एक नुस्खा भी दे देंगे आपको टोटका, देसी टोटके। तो इसी बहाने एक वीडियो भी हो जाएगी और भैंसों का शौक भी पूरा हो जाएगा आपका देखने का और मेरा दिखाने का, और जो है एक वीडियो भी तैयार हो जाएगी, साथ में एक नुस्खा भी दे दिया जाएगा आपको। तो चले आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो है ये इस वाली भैंस का बच्चा है ये जो बना हुआ है, और ये है इसका बच्चा। और माशाल्लाह इसका हवाना चेक करें, ये बिल्कुल अभी ताज़ी सुई है ये। और एक ये खड़ी हुई है, एक ये है, और जो है एक ये है इसका। माशाल्लाह से हवाना चेक करो ज़रा, ज़बरदस्त सींग। अच्छा इसके नीचे है मेढ़ी कहलाती है, मेढ़ी बोलते हैं उसको, नीचे सींग वाली को। भैंस का साइज़ देखें माशाल्लाह से बहुत ही आलीशान भैंस है। और ये देखें कि यह है झोटी, यो भी कब बना, ये भी क्या बना, ये थोड़ी कच्ची है अभी, निकालेगी मेरे ख्याल को 15-20 दिन, 10-15 दिन तो मस्त हैं। तो आपको देता हूँ एक और टोटका। आज मैं आपको बताता हूँ जहरबाद के बारे में, जहरबाद कौन सी बीमारी है, कब होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। तो जहरबाद जो है वो है भाई भैंस उसमें पड़ जाती है बिल्कुल पीली, तो उस पीली पड़ने की वजह से भैंस जो है उसके जगह जगह से जिस्म सूजना शुरू हो जाता है, जिस सामान में अब जैसे ये माशाल्लाह फुल ब्लैक खड़ी हुई ना, तो जहरबाद की निशानी ये है कि भैंस जो है वो पीली पड़ जाएगी, उसका जिस्म जो है चमड़ा पीला होना शुरू हो जाएगा। तो उसका मैं आपको बताने लगा हूँ इलाज, बिल्कुल ईजी है जी। तो उसका इलाज, भैंस का इलाज क्या करना है, आपने मेडिकल स्टोर वाले के पास जाना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक दो पुड़िया लेनी है आपने उससे, बल्कि फ़िलहाल आप एक पुड़िया ले लीजिएगा, तकरीबन 100 से 120 रुपए की पुड़िया आएगी। वो एक पुड़िया आपने पानी के अंदर मिक्स करके भैंस को लगा देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना, 15 दिन का आपने देना है गैप, 15 से 20 दिन का आप गैप देंगे, 15 से 20 दिन के बाद आपने एक पुड़िया दोबारा से लगा देनी है। इंशाल्लाह फर्स्ट पुड़िया में फ़र्क आ जाएगा और जो बची खुची कसर होगी वो सेकंड पुड़िया में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो क्या करना है, आपने मामूल के मुताबिक आपने वीडियो को शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। और किसी भाई को इस तरह की नस्ली किस्म की भैंसें, माशाल्लाह से शानदार किस्म की भैंसें लेनी है, वो हमसे रابطہ कर सकता है। काफ़ी वीडियोस में मैं अपना नंबर शेयर कर चुका हूँ, चलो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, 0311-1285-886, 0311-1285-886। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जब मर्ज़ी आएँ, जैसे मर्ज़ी आएँ, दिन में आएँ, रात में आएँ, कोई टेंशन नहीं है। मेन रोड के ऊपर हमारी रिहाइश है, मेन रोड के ऊपर हमारा डेरा है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा और इंशाल्लाह जायज़ कीमत में वैसे दिलवाई जाएंगी, क्योंकि हमारा जो काम है वो है होलसेल का। मेरा ताया है व्यापारी पूरे इलाके में, सबसे बड़े व्यापारी जो है वो मेरा ताया है, उनका नाम है राणा कयूम। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की भैंसें दिलवाई जाएंगी। माशाल्लाह से ये देखें फुल आँख है, ब्लैक है बिल्कुल, और सींग देखें माशाल्लाह से गोल। जिस भाई को पहचान होगी वो तो पहचान जाएगा ये क्या चीज़ है,
और जिनको पहचान नहीं होंगी वो नहीं होगी, वो सोचते रहेंगे क्या चीज़ है ये। तो इसका आइडिया सिर्फ वही बंदा लगा सकता है जिस जो बंदा इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, उसको पता होगा माशाल्लाह से इसकी क्या कीमत है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका तो काशी ने जूस निकाला भैया, भैंस गाय आपको हर दफ़ा नज़र आती होगी वीडियो में। इसको तो 2 साल से इधर है, हमारे पास छोटी सी बच्ची आई थी, ये भी इधर ही लगी माशाल्लाह, इधर से क्रॉस होकर इसने बच्चा भी दिया जो इसका बछड़ा काशी बेच चुका है। और ये भी बच्ची आई थी, ये भी माशाल्लाह तैयार है, और ये भी काशी ने पाली हुई भैंस, मेरे ताए का लड़का है काशी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नुस्खे के साथ किसी और लोकेशन पर कुछ और करते हुए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये माशाल्लाह से चड्डा देखें इसका।